राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी फुल प्रूफ प्लान बना चुकी है, वहीं पार्टी अपने नाराज नेताओं को बागी होने से नहीं बचा पा रही। पहले तो मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया और अब फिर बीजेपी के एक और नेता रामपाल जाट आम आदमी पार्टी के साथ हो लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है रामपाल जाट। रामपाल जाट की छवि किसान नेता के तौर पर है। घड़साना गोलीकांड में किसान और सरकार के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुधवार को रामपाल जाट आम आदमी पार्टी के साथ ही बन गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेता ने पार्टी की टोपी पहनने से साफ मना कर दिया, जिसकी दलील में उन्होंने ये कहा कि सिर्फ किसानों के हित के लिए वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। जहां तक किसान को सशक्त बनाने की बात है, तो हमने हमेशा ये कहा जो भी पार्टी आती है कोई किसान का बनाती है विंग। भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्च, कांग्रेस में खेत किसान कांग्रेस, तो जो भी पार्टी आती है किसानों को मानती है एक विंग के रूप में, एक शाखा ग्रुप में। हमने कहा किसान विंग नहीं है, विंग बाकी चीजें हो सकती है। किसान संपूर्ण देश है, किसान इस देश की मुख्य धारा है, इसलिए किसान होगा मुख्य पार्टी। तो किसान जब तक मुख्य पार्टी नहीं होगा, पार्टी का मुख्य धारा नहीं होगा, तब तक बदल हो नहीं सकता। इसलिए हमने विजन दिया किसान राज। हमने कहा हम लाएंगे किसान राज। तो ये जो शक्ति है इसका केंद्र हो किसान। तो किसान राज में जितनी नीतियां बनेगी, किसान को केंद्र में रखते नीतियों का निर्माण होगा। और उसके लिए हम चाहेंगे नहीं कि किसान भीख मांगने वाला बने, क्योंकि किसान अपना हाथ दया के रूप में किसी के सामने खड़ा करे। हम चाहेंगे किसान हमेशा अन्नदाता के रूप में बना रहे। फिलहाल रामपाल जाट ने बीजेपी को किसान विरोधी बताकर आम आदमी पार्टी को हितों की रक्षा करने का जरिया बताया है। अब देखने वाली बात कि सीएम वसुंधरा के खिलाफ आग उगल रहे रामपाल जाट आपके जरिए क्या कमाल दिखा पाते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।